नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष चौबे प्रशस्ति सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की तैयारियां शुरू कर रहे हैं और उस रास्ते में हम यूनिट 6 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया है उसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जिसको संविधान, भारत का संविधान और भारत की अर्थव्यवस्था सिलेबस में दिया गया है। इस टॉपिक को पढ़ने में हमको ये फायदा मिलेगा कि यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर पीएससी इस टॉपिक से फैक्ट्स उठा के कर पूछता है। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं जिसमें फैक्चुअल डेटा पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा सिलेबस के बारे में डिस्कशन। और उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी, उस पर आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि जो टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाएगा उस टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन की तरफ आप मूव करेंगे। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका ही ये होता है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करें। ज्यादा हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेंगे तो सक्सेस आसानी से मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और यूनिट 6 के बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। यूनिट 6 जो इकाई नंबर 6 जो हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में दी गई है उसमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इकाई नंबर 6 पे दिया गया है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे जरूरी चीज है इसमें पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने को तो दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमको फोकस करना है अपने एग्जाम को और उसके हिसाब से भी हमको आगे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसके पहले भी कुछ रिफॉर्म्स हुए थे भारत में, जैसे 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी हुआ था, लेकिन जो सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है वो 1990 से प्रारंभ किया हुआ है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 कहा जाता है वो दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो हमारे संविधान का बहुत अधिक जो पार्ट है, जो संविधान हमने लिया हुआ वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अंगीकृत किया है। तो उसके बाद में हमको इस पर डिस्कशन करना है। अगला जो पार्ट है, जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है, वो किसकी बात की गई है, संवैधानिक सभा जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, असेंबली। अब ये संवैधानिक सभा का गठन कैसे बनी, कौन कौन व्यक्ति विशेष इसमें शामिल हुए, किस व्यक्ति को किस तरह का पदभार दिया गया, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो संविधान निर्माण के लिए काम करेगी। संविधान निर्माण में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन ऑफ हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसे बहुत सारी कमेटीज के बारे में हम कहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है नंबर 4th जो टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्लस प्रेसिडेंट के बारे में एंड प्लस पार्लियामेंट।
मतलब हमारा जो संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति है, और हमारा संसद के बारे में हमको यहाँ डिस्कशन करना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक जिसके बारे में हमको बात करनी है वो टॉपिक नंबर फिफ्थ है, जो हमारा दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे अनिवार्य टॉपिक माना जाता है, पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो आपको आपके संविधान ने प्रदान किए हैं। आप भारत में जी रहे हैं, किस अधिकार के तहत क्या अधिकार आपको मिले हुए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किए गए। ठीक है, अगला जो पार्ट इसी में दिया हुआ है, इसी के साथ में आपको चिन्हित किया गया है, मौलिक अधिकार के साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट फोर में डिस्क्राइब किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो टॉपिक इसी के अंतर्गत दिया हुआ है वो दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब आपके आपके कर्तव्य क्या है, नागरिकों के कर्तव्य क्या है, जो कि संविधान के पार्ट फोर ए में डिस्क्राइब किए। पार्ट फोर ए में जो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है, ये हमने स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको इम्प्लीमेंट किया है, भारत में लागू किया गया है, ये भी हम पढ़ेंगे। आगे चल के जो स्पेसिफाई किया हुआ है वो दिया हुआ टॉपिक नंबर सिक्स, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है, इस टॉपिक से पिछले 2 या 3 वर्षों में देखा जाए तो क्वेश्चन आना जायज है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 101 फर्स्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, इस टॉपिक से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टॉपिक्स एमपीपीएससी अक्सर पूछता है और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो 1951 में किया गया था, और 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जितने इंपॉर्टेंट हमारे अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक दिया हुआ है टॉपिक नंबर 7 जिसकी बात करते हैं, उसमें दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड जुडिशियल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक नंबर 7 पे। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको कवर करना है, हमारा दिस ये सब टॉपिक्स मिलाकर के हमारा यूनिट 6 कवर होता है पॉलिटी ऑफ इंडिया का। इसके साथ में अलग से जो यूनिट 6 में स्पेसिफाई किया हुआ है वो भारत का अर्थव्यवस्था है, मतलब इकोनॉमी ऑफ इंडिया, वो सेपरेट पार्ट है और उसको हम अलग से कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टारगेट है ये है कि हम इस इन टॉपिक्स को 12 से 13 दिन के अंदर कवर अप करें, ताकि हम पूरे सिलेबस को एग्जाम से पहले अच्छे से कवर कर सकें और उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। प्रशस्ति सिविल सर्विसेज एकेडमी के द्वारा आपको सारे टॉपिक्स पूरा एमपीपीएससी का सिलेबस एग्जाम से 10 से 15 दिनों के पहले कवर अप कराने का टारगेट रखा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि बच्चों की अच्छे से अच्छी तरह से तैयारी हो सके और उसमें कुछ हमारा भी योगदान रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम देखें कि यूनिट 6 को स्टार्ट जब हम करते हैं तो इसमें दिया हुआ है कौन, भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है क्या, भारत इस समय में हमारे द्वारा चल रहा था? नहीं, हमको कौन रन कर रहा था? ब्रिटिश रन कर रहा था। तो हमको इससे पहले किसके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा? ही यूरोपियन कंपनीज हमारे देश में आती हैं और देश में अलग अलग तरह से शासन चलाने की कोशिश करती हैं। अब शासन चलाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। राज को चलाने की प्रक्रिया को राज व्यवस्था कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पॉलिटी कहते हैं, जो कि एक शब्द है पॉलिश, वहां से निकल के आया है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने या थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी यूरोपियन कंपनीज के बारे में, और खासकर एक कंपनी जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो कि कब बनी थी, 1600 में,
1600 में, ये 1600 में गठित हुई थी। अब ये गठित कहाँ हुई थी? ये गठित हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहली चीज है इसका बनने का कारण हमको जानना पड़ेगा, क्या कारण है इसके बनने का कारण, क्यों कंपनी का गठन किया गया, या ये कंपनी जैसे आजकल जो कंपनी चलती है आप समझते हैं प्राइवेट लिमिटेड है, क्या ये कंपनी वैसी थी, क्या एक कंपनी आकर के किसी देश पे राज कर सकती है, ये भी हमको जानना पड़ेगा। ये कंपनी आई भारत में राज करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ से ही इसका गवर्नमेंट के ऊपर होल्ड होना स्टार्ट हो गया, कैसे क्यों ये हमको जानना आवश्यक है। और फिर कंपनी आगे आकर के एक्ट्स बनाएंगी, जैसे आपने सुना होगा 1773 का क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, आगे चल के पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आए, चार्टर एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, कब आए, जब हमारा 1857 की क्रांति हो चुकी थी उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना स्टार्ट हुआ, देन 1909 का मॉरले मिंटो रिफॉर्म हुआ, देन 1919 का मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ, फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारे आज के संविधान में भी जिसका बहुत बड़ा योगदान है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूं आप हमारे साथ रहेंगे और कदम से कदम बढ़ा करके चलेंगे। हम कल से या जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो हम 1919 तक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके पहले का पूरा संवैधानिक इतिहास को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।